काशीपुर में भारत विकास परिषद ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, गुरु वंदना और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा ने किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने संस्कृत में समूह गान की सुंदर प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में लगभग 14 स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेधावी छात्र छात्राओं में से अच्छी प्रस्तुति करने वाले बच्चों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा, जिसका चयन 3 जजों की टीम ने किया है। वहीं प्रतियोगिता में अच्छी प्रस्तुति देने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। 14 स्कूल यहाँ आए हुए हैं, जो कि 2 वर्गों में अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। 3 जजेस को हमने यहाँ बुलाया हुआ है। वो जज उन सभी टीमों की जो भी एक्टिविटी होती है, जैसी उनकी प्रेजेंटेशन होती है, जो उनकी ड्रेसेस होती हैं, इसको देख करके अपने मार्क्स देते हैं। उसी बेसिस पर हम दोनों कैटेगरी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसाइड करते हैं। एक टीम जो ओवरऑल फर्स्ट आएगी वो यहाँ से, यानी कि हमारी शाखा से उठ करके प्रांत में जाएगी। प्रांत से आगे बढ़ते हुए वो रीजन में जाएगी। रीजन से आगे बढ़ते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अपनी परफॉर्मेंस देगी। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के रूप में पूरे देश में भारत विकास परिषद इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। ये देशभक्ति से उत्प्रोत एक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी पुस्तक राष्ट्रीय चेतना के स्वर उससे गीतों का चयन किया जाता है, हिंदी एवं संस्कृत गीतों का, क्योंकि देशभक्ति के गीत हैं। हमारी पुरातन संस्कृति किस प्रकार से आज के बच्चे जान पाए और इस संस्कृति के साथ जिए, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों से दूर रहें, यह भारत विकास परिषद का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास है। आज जो बच्चे यहाँ से चुनकर जाएंगे वो आगे के प्रांत, रीजन और राष्ट्रीय स्तर पर काशीपुर का और प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम का सफल संदेश हो, सभी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, यही मेरी शुभकामना है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।